अरे दोस्तों नमस्कार, मैं एस बी रजक, गुड मॉर्निंग। आज हम आए हुए हैं गैबीनाथ धाम मंदिर में। मैं आशा जो है यहाँ पर शिव भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर अभी आए हैं। यहाँ पर आज पूर्णिमा में भीड़ लगती है और अभी आए हुए हैं, अभी हम लोग जाएंगे अंदर, शंकर जी नहाएंगे और घूमेंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर ग्लास फूल वगैरह नहाने के लिए मिलता है, यहाँ पर लोग देख पा रहे हैं। और लोटा गिलास मिलता है नहाने के लिए, यहाँ पर हम देते हैं लोग फूल वगैरह, माला वगैरह सब मिलता है। अभी हम यहाँ से एक गिलास वगैरह लेके, लोटा लेके जाएंगे भी नहाने के लिए भगवान को। ले लीजिए, नमस्ते। हम दूर गए हैं लेकिन हम यहाँ से लेते हैं। मिसरगामा बता दीजिए ना। अरे ये ले लिए, अभी हम लोग अंदर जाएंगे नहाने के लिए, पानी से भरेंगे अभी जाके सुबह जल, और उसके बाद फिर हम लोग नहाने के लिए जाएंगे भगवान को। बोलो शंकर भगवान। टीका कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। जो हर हर महादेव आय नमः। दरबार में पहुँच चुके हैं, यहाँ पर शंकर आएंगे। ये मेरी वाइफ खड़ी हुई है इंतजार में, नंबर में मैं उनके साथ खड़ा हूँ। दोस्तों अभी हम शंकर जी को नहा के श्री ये पार्वती मंदिर में घर है, पार्वती मंदिर में जाएंगे हम लोग अभी। यहाँ पर एक मन्नत होती है, जैसे कि ये सामने आपको दिख रहा है कि ये शंकर जी का मंदिर है और इधर जो है तो इधर माँ पार्वती का मंदिर। कोई मन्नत मांगते हैं, कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो उनको माँ भोलेनाथ के यहाँ से लेके और इधर हम यहाँ तक जो है तो गांठ बांधते हैं, गांठ लगाते हैं उनकी। ये मन्नत जब पूरी होने के बाद ये चीज करते हैं। तो दोस्तों इधर है, अभी हम चल रहे हैं माता के मंदिर, माँ पार्वती के मंदिर चल रहे हैं।
लोग पहुंच गए दोस्तों अभी मंदिर में। यहाँ पर अभी आरती चल रही है, थोड़ी देर बाद दर्शन करेंगे। यहाँ का नजारा दिखाते हैं भोलेनाथ को। ये तालाब है, ये सामने जो गैबीनाथ धाम है, ये गैबीनाथ धाम है। ये अपना मंदिर है, माँ पार्वती का मंदिर है। तो ये दोस्तों ये जो है तो माँ पार्वती का मंदिर है। ये यहाँ से जो है तो गांठ बनाते हैं, जिनकी मन्नत पूरी होती है यहाँ से बना के ले जाते हैं और सीधे जो है तो उधर वहाँ पर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर वहाँ पर ऊपर गुम्बज में फिट कर देते हैं। उधर ले जाकर वहाँ से गुम्बज में ले आके डाल देते हैं, यहाँ से लाके यहाँ पे सीधे यहाँ से लाते हैं और डाल देते हैं। जय महाकाल। ये हमारी साली जी है और ये जो है तुम दर्शन किए हैं और प्राचीन मंदिर है, प्राचीन शिवलिंग है, बहुत ही अच्छा है। ये सतना जिले में पड़ता है और बहुत ही अच्छा है। विष्णुपुर धाम है, इसके विष्णुपुर धाम से भी जानते हैं और आप लोग चाहें तो पर आ सकते हैं, विष्णुपुर धाम भी आ सकते हैं। ये पूरा जिस नज़ारा दिख रहा है आपको पूरा। और बहुत भूख लगी क्या? एक बदरिया है जो बदरिया का इसी से छीन के खा रही है। दोस्तों ये लाई बड़ी प्रसिद्ध है यहाँ, सबसे प्रसिद्ध लाई है। ऐसे सतुआ क्या रेट है? 100 रुपये किलो। ये लाई 25 रुपये पाव 90 रुपये किलो। देख लिया भैया आंटी, ये चना क्या रेट है? 100 रुपये किलो। सतुआ 100 रुपये किलो। सतुआ हर जगह 100 रुपये, गूगल सब। अरे हमने ले, ये भट्टी है दोस्तों, इसमें जो है तो चना भुनता है। ये जो चना आप देख रहे हैं, ये चना जो है इसमें भुनता है। भुनने की भट्टी है। ये देखिए इंटरनेट में डालने के लिए वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। ये जो चना रखा हुआ है
ये चना जो है इससे भूनता है, ये जो भट्टी है ना उससे बनता है, इससे देखिए ये बना रहे हैं, ये देखिए ऐसे बनाता है, देखिए कितनी मेहनत से बना रहे हैं, कितनी देखिए जल रही है। तो अभी दोस्तों हम मार्केट में आए हुए हैं और इधर मार्केट में देवी जी हमारी कुछ खरीदने आई हैं, इन्हें कुछ खरीदवाऊँगा। देखिए कितना जेब खाली कर रही है, कितने के लोग मारेंगी। क्या क्या खरीदना है मैडम जी? लीजिए ना जो लेना है। आप कहाँ जा रहे हैं? हैं? किधर? किधर? हाँ